घोटाला मनीष सिसोदिया से पूछताछ आज। दिल्ली डिप्टी सीएम ने सीबीआई से एक हफ्ते का वक्त मांगा, बोले बजट में बिजी हूँ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से एक हफ्ते का समय मांगा है। सीबीआई ने रविवार यानी आज सुबह 11 बजे उन्हें शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया ने एजेंसी से समय मांगते हुए कहा कि वे दिल्ली बजट 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं, इसी वजह से उन्हें एक हफ्ते का समय दिया जाए। सिसोदिया ने शनिवार को ट्वीट कर जानकारी दी थी कि उन्हें सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सिसोदिया ने कहा था, मेरे खिलाफ सीबीआई और ईडी ने पूरी ताकत लगा रखी है, घर पर रेड, बैंक लॉकर तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ अभी तक कुछ नहीं मिला। सिसोदिया ने कहा कि मेरी गलती यह है कि मैंने बस दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है। भाजपा वाले बच्चों की शिक्षा को रोकना चाहते हैं। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और करूंगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मामले में कहा कि दिल्ली में शराब घोटाला जैसा कुछ भी नहीं हुआ, यह विपक्षी पार्टी की तरफ से बनाया गया एक राजनीतिक मुद्दा है। अभी तक सीबीआई और ईडी को जांच में कुछ भी नहीं मिला है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।